आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपनी मैथ्स का हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं, इसका पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं। इसे हिंदी में ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। यहां पर हम इस के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बिना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लगाए कैसे निकालना है उनका आंसर, वो सीखने वाले हैं। सिर्फ दो ट्राइंगल को हम याद करेंगे और इसके 99.9% क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दो ट्राइंगल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अब इसकी टर्मोलॉजी समझते हैं कि इसमें किस चीज को क्या बोला जाता है, किस टाइप के यहाँ पर ट्राइंगल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, मान के चलो ये हमारी अर्थ की एक सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। अब यहां पर एक टावर लगा हुआ है, यहां पर एक टावर लगा हुआ है। देखो इन इन क्वेश्चंस में ये ऑब्वियस रहेगा, जैसे टावर लगा है या फिर कोई बिल्डिंग है तो ये हमेशा 90 डिग्री पर लगाए जाते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री पर लगाए जाते हैं ताकि वो गिरे ना। तो इनका जो एंगल रहेगा हमेशा वो 90 डिग्री रहेगा, चाहे टावर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई मीनार हो। यहां पर मान लो इसके टॉप पर कोई एक आदमी है यहां पर, और एक आदमी यहां पर नीचे है हॉरिजॉन्टल में। देखो अब इसकी आंखें इस तरफ होंगी तो अगर जब भी वो सामने देखेगा तो ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। तो जितनी भी लाइंस देखो, अगर ये देखेगा तो यहां पर ऐसी लाइन बनेगी, कुछ ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी। तो जितनी भी लाइन ये अर्थ सर्फेस की जस्ट पैरेलल होती हैं, जितनी भी लाइन ये अर्थ सर्फेस की जस्ट पैरेलल होती हैं उन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज। ये हो गई पहली टर्मोलॉजी भाई, जो पैरेलल लाइंस होती हैं अर्थ की सरफेस से उनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और क्षैतिज बोलते हैं। जो सीधी ये 90 डिग्री लाइन होती है उनको वर्टिकल बोलते हैं। अब देखो ये जो इसकी आंखें हैं, अगर मान के चलो ये इसको ऊपर साइड इस आदमी को देख रहा होता तो ये कुछ ऐसा, हम ज्वाइन करते इसको, तो ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन बनी मतलब आंखों से लेकर, आंखों से लेकर जिस पॉइंट पर वो देख रहा है, जिस पॉइंट तक वो देख रहा है उसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब अगर ये देखो इसको, ये आदमी ऊपर तरफ देखेगा, अब अगर ये आदमी ऊपर तरफ देखेगा तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये भाई उठा हुआ एंगल होगा, ये जो एंगल बनेगा भाई ऊपर तरफ देखेगा तो आपको सर को उठाना पड़ेगा तो ये उठा हुआ एंगल होगा, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। उठाने को क्या बोलते हैं, एलिवेशन। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब अगर ये आदमी इस नीचे वाले आदमी को देखेगा तो इसको अपनी आंखें नीचे साइड करनी पड़ेगी, तो ये भाई झुकेगा, इसका सर झुकेगा तो ये लाइन ऑफ साइट भी झुक जाएगी। तो झुकने को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो इसका जो एंगल बनेगा यहां से तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हिंदी में इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो इतनी टर्मिनोलॉजी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। जब भी ऊपर देखेगा तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब नीचे साइड देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब देखो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो अगर तीन लाइन एक दूसरे के मतलब एक लाइन इसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी। और अगर ये पैरेलल होंगी तो ये जो लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी, छेदी रेखा बन जाएगी। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से। तो ये एंगल तो भाई सिर्फ नाम रहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, इनको हम जनरली एक ही मानते हैं। जब भी यूज करेंगे तो उनको एक ही बनाएंगे, डायरेक्टली बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो हम उसको लिखेंगे यहां पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा, डायरेक्ट हम यहां का एंगल यहां बना देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर कोण यहां बन जाते हैं। तो ये टर्मोलॉजी हो गई। अब हम आते हैं, देखो सबसे पहले यहां पर एक चीज समझने की है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उनमें ज्यादातर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री इनका ही यूज किया जाता है। 0 डिग्री तो बनाएंगे नहीं कि भाई ये एंगल 0 डिग्री का है, 90 डिग्री भी नहीं बनाएंगे, 90 डिग्री पर टेन थीटा इनफिनाइट होता है। तो जितने भी यहां पर क्वेश्चन आते हैं उनमें हमेशा 30 डिग्री या 60 डिग्री यूज किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं 30 डिग्री वाला ट्राइंगल कैसा होता है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये ऑब्वियस बात है, इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं होगा। अब मान लेते हैं भाई ये एंगल 30 डिग्री का है, पहले हम 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लिखते हैं। तो हमने मान लिया ये एंगल 30 डिग्री का है।
अब देखो ये तो 90 का हो गया, ये कितने का बचा? तो आप बोलेंगे सर ये 60 डिग्री का बचा। तो जब 30 डिग्री का हमें ट्राइंगल मिलेगा तो उसमें एक दूसरा एंगल 60 डिग्री का होगा, ये कंफर्म है। यहां पर दूसरा ट्राइंगल ले लिया था हम 45 डिग्री का, ये अब ये 45 ये 90 है, ये कितना होगा? देखो इन दोनों का योग फिर 90 होना चाहिए, 90 90 180, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल में, एक त्रिभुज में दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है, ये अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल रहेगी। चलो तो हम रेशियो बनाते हैं। पहले देखो ये 30 डिग्री का है, अगर इस एंगल को पकड़े तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर ये, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, जो बचे की साइड हो जाएगी 20। अब अगर हम इसमें, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा लगा दें और साइन सी पर लगाएंगे, ठीक है, एंगल जो हम, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो रहेगा हम सी पर लगाएंगे, तो कितने डिग्री का एंगल यहां पर 30 डिग्री का है इक्वल में, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा 1:2 होगा। अब 1:2 का मतलब क्या है? देखो ये परपेंडिकुलर है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 होगी, अगर यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 होगी, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो ये तो 2 1 हो गए, तो यहां पर ये समझना कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? 2 होगा। अब यहां पर अगर 2 और 1 को देखें तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो इस वाली अगर बेस की वैल्यू निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस इसका स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा √3, तो 60 के सामने क्या हो गया? √3 हो गया, ये बन गया हमारा रेशियो। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, मैं यहां पर बना देता हूं, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 30 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, 30 के सामने अगर 1 है तो यहां पर 90 के सामने 2 होगी और 60 के सामने √3 होगी, ये रेशियो होगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, क्या होता है 1:3 रेशियो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1√3 और √2, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का रेशियो हो जाएगा। आपको ये ट्राइंगल याद रखना है, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगी और 90 के सामने 2 होगी, पहला ट्राइंगल हो गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखो, अब यहां पर ये दोनों साइड आपस में बराबर है, 45 डिग्री का अगर यहां पर एंगल होगा तो ये भी 45 हो जाएगा और बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये एक यूनिट है तो ये भी एक यूनिट होगी, क्लियर। अब अगर देखो हमें परपेंडिकुलर बेस दोनों पता है तो हम यहां पाइथागोरस लगा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? √ इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? √ के अंदर 2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगी ये वैल्यू। तो जब भी यहां पर 45 डिग्री वाला हमें यहां पर त्रिभुज दिखेगा, ट्राइंगल दिखेगा, तो इसमें इसका जो रेशियो क्या होता है? 1 1 √2 1 1 √2, ये आपको याद रखना है। सिर्फ दो ट्राइंगल में इतने रेशियो आपने याद रख लिए तो फिर आपको कोई साइन थीटा टैन थीटा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उसमें लगाने से हमारे टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो ये इसका कंसेप्ट था, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये ट्राइंगल आपको याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन की ओर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया मतलब शैडो की लंबाई 15√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर क्या है? तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। मान के चलो ये वो पेड़ है जिसकी लेंथ कितनी है, सॉरी यहां पर हाइट कितनी है, 45 मीटर है, ये इसकी यहां पर शैडो है, ये इसकी शैडो है, इसकी जो लेंथ वो कितनी है? 15√3 है मीटर। अब देखो यहां पर हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल बताना है। अब अगर हमें देखो एंगल पता है तो हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो पता है तो उसका एंगल निकाल सकते हैं कंपेयर करके। तो अगर हमें इन दोनों का रेशियो पता चल जाए तो हम इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो किस किस का रेशियो निकालना है? 15√3 और ये 45, इसका रेशियो निकालना है। 15 से काट देते हैं एक बार, 15 से काट देते हैं तीन बार, और जो तीन होता है क्या होता है? √3 × √3 होता है, √3 × √3, तो √3 से कट जाएगा एक बार, तो ये निकल आया एक, भाई यहां पर कुछ नहीं एक बचा, और ये निकल आया √3। ये हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो यहां पर
रूट थ्री के सामने कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। तो यहां पर रूट थ्री के सामने ये कौन सा एंगल होगा? ये होगा 60 डिग्री। बस निकल आया 60 डिग्री, हम बाकी एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। रूट थ्री के सामने क्या? 60 डिग्री। यही क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भाई अगर हमने रेशियो समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएंगे। अगर साइंटिस्ट टेंटिस लगाते तो आंसर तो तब भी निकलता, लेकिन हमारे 20-25 सेकंड यूं ही वेस्ट हो जाते। तो हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर टू को पहले खुद ट्राई करें, फिर यहां पर सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन है कि समतल भूमि के किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष मतलब टॉप का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार 110 रूट 3 मीटर ऊंची है। तो मीनार के निचले बिंदु से बिंदु P तक की दूरी क्या है? देखो यहां पर ये कोई मीनार है, ये इसका निचला बिंदु है, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। हम इसको इसके टॉप को यहां से ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है जो कितना है यहां पर 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 110 रूट 3 मीटर है। हमें क्या बताना है कि निचले बिंदु से बिंदु P तक की दूरी क्या है? ये बिंदु P है और ये मीनार का निचला बिंदु, ये डिस्टेंस हमें बतानी है ये कितनी होगी। अब यहां पर हम वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, देखो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 30 के सामने कितनी यूनिट होती साइड? ये 30 के सामने कितनी होती? एक यूनिट साइड होती है। तो ये जो वैल्यू है ये एक यूनिट की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? हमें ये वाली लाइन निकालनी है, इसकी लेंथ कितनी होती? रूट थ्री। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? देखो एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो रूट थ्री की कितनी होगी? भाई इसमें रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 अंडर रूट थ्री इसमें कर देंगे रूट थ्री का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 110 में 3 को गुणा करेंगे ये हो जाएगा 330 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, रेशियो ने और आसान कर दिया। तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा कंसेप्चुअली तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने इसको इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है। क्वेश्चन है, एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यह क्षैतिज से 45 डिग्री पर झुके मांझे से बंधी है, मांझे की अनुमानित लंबाई मतलब एप्रोक्स लेंथ हमें बतानी है। अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि हाँ भाई पतंग उड़ रही है और ये इसकी जमीन से ऊंचाई हो गई जो कि 138 मीटर दी है। यहां कहीं कोई इंसान इसको उड़ा रहा है और यहां से यहां तक का जो एंगल है ये हो जाएगा 45 डिग्री का, ये भी 45 का हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ये जो ये है ये लाइन यही मांझे की लंबाई है, हमें इसी की यहां पर वैल्यू निकालनी है। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये बन गया हमारा दूसरा ट्राइंगल, एक एक अंडर रूट टू। तो यहां पर हो जाएगा भाई ये एक यूनिट है तो ये हो जाएगी अंडर रूट टू यूनिट हो जाएगी। अब एक की वैल्यू दी है 138 मीटर तो अंडर रूट टू की क्या हो जाएगी? 138 इंटू अंडर रूट टू ये हो जाएगी। अब यहां पर अंडर रूट टू तो कहीं है नहीं, मतलब इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414। अब इसको हम बच्चों जैसा मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, इसको हमें टुकड़ों में मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो 1.414 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0.4 प्लस 0.01 प्लस 0.004 ऐसा कर देंगे। देखो इसको आपको मन में करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 138 ये इसका इसमें करेंगे तो 138 ही रहेगा। फिर 138 इसमें करेंगे तो 138 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौक 520 हो जाएगा, 8 चौक 32, 520 32 जोड़ेंगे 552 हो जाएगा, ये हो जाएगा 552। और एक प्लस का यहाँ डेसिमल लगेगा तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 55.2, ये हो गया। अब इसका इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 रहेगा, लेकिन दो प्लस का डेसिमल लगेगा तो 1.38 हो जाएगा। और वापस से 4 में करेंगे तो ये कितना ही इतना ही रहेगा, लेकिन 3 प्लस का डेसिमल लगेगा तो ये यहाँ डेसिमल आएगा, तो ये जगह 0.552। इनको जोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 और 5 13 ये हो जाएगा, यहाँ हासिल किया हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 10 और 1, ये 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11 की 1 हासिल किया हो जाएगा, ये 5 और 1 6 सॉरी 1 और 1 2 और 2 5 और 7 और 8 ये हो जाएगा 15। और यहां पर जाएगा 1 3 और 1 4 और 5 और 9 और यहां पर हो जाएगा 1 185.13। सबसे ज्यादा किसके करीब है? ये ऑप्शन नंबर डी के करीब है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हल्की सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है भाई, इसका डायग्राम और इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एग्जाम में ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उनको हमें टुकड़ों में मल्टीप्लाई करना है।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। अब क्वेश्चन नंबर फोर में हमें थोड़ा सा अलग डायग्राम मिलेगा। क्वेश्चन है 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या है? देखो दो खंभे हैं, अलग अलग ऊंचाई के हैं, एक 18 मीटर ऊंचाई का है और एक 30.5 मीटर की ऊंचाई वाला है। ये हमने दो खंभे बना दिए, ये इसको नाम दे दे ए बी और ये हो गया सी डी। हालांकि एग्जाम में आपको नाम नहीं देने पड़ते हैं, आपको मन में ही करना पड़ता सब कुछ। ये 18 मीटर ऊंचाई का है और ये 30.5 मीटर ऊंचाई का है। अब इनके जो शीर्ष मतलब टॉप हैं, इनको एक तार से जुड़े हैं, मतलब बंधी हुई आपस में, ये तार लगा दिया हमने एक, इसी की लेंथ हमें बतानी है। अब जो ये तार क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाता है, देखो क्षैतिज अगर यहां तार जुड़ा है तो इसके लिए क्षैतिज ये होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ये होगा, यहां बना रहा वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें ये लेंथ निकालनी है, ये वाली। देखो ये 18 है तो ये भी 18 होगी, यहां से यहां तक 18 होगी, बचे की कितनी, ये वाली। तो 30.5 से 18 जाएगा, कितना बचेगा 12.5 बचेगा। तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी 12.5 मीटर की हो जाएगी। ये एंगल 30 का है, ये 60 का हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर 30 के सामने यहां पर एक यूनिट हुआ, ये एक यूनिट हुआ, तो ये वाली जो लेंथ होती है हाइपोटेन्यूज वो कितनी होती है, 2 यूनिट होती है, मतलब ये 2 यूनिट की लेंथ होगी। अब एक यूनिट की वैल्यू है 12.5, तो 2 की क्या होगी, जस्ट डबल। तो 12.5 का दोगुना करेंगे, 12.5 का दोगुना क्या उतना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस डायग्राम बनाने की देर थी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा जाता। तो आई होप आपको ये रेशियो समझ आया होगा, रेशियो से कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहीं भी एंगल नहीं दिया गया। अब या तो एंगल यहां पर पता करना पड़ेगा पहले, या बिना एंगल पता किए ही इसका आंसर निकल आएगा। दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 117 मीटर है, इनके शीर्ष के बीच की दूरी 136 मीटर है, दोनों भवनों के निचले बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक भवन छोटा है, एक भवन बड़ा है। एक भवन ये है छोटा वाला और एक बड़ा वाला यहाँ भवन है, ये हो गया। यहां पर क्या, एक की 53 मीटर की ऊंचाई है, ये 53 है और ये है 117 पूरी, इसको नीचे लिख लेते हैं, ये 117 मीटर, ये 53 मीटर। इनके शीर्षों के बीच की दूरी मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दी है 136 मीटर दी है। और हमें इनके दोनों भवनों के देखो निचले बिंदुओं इन ये दूरी निकालनी है, तो चाहे ये निकाल लें चाहे ये निकाल लें, दोनों सेम ही रहेंगे। देखो ये 53 है और ये पूरा 117 है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता ही बनता है। 53 ये घटा देंगे इसमें से, ये बचेगा कितना, 4 11 5 जाएगा 6, ये 64 बचेगा। अब देखो यहां पर हमें देखना, ये निकालना है, यहां पर तुम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस हमें 136 और 64 पे कभी नहीं लगाना, हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना। देखो 136 और ये 64, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले 8 से काट देते हैं, 8 से ये 8 बार कटेगा और 8 से काटेंगे 8 एकम 8, बचेगा 5, 8 7 56। देखो काटा किससे हमने, 8 से काटा है, ये ध्यान रखना, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब देखो ये ऐसा ट्राइंगल रहेगा एक प्रकार से, कि ये 17 है ये 8 है, तो हमें याद है 17 8 और 15 ये ट्रिपलेट होता है, तो ये साइड जो रहेगी ये 15 हो जाएगी। लेकिन हमने 8 से भाग दिया था यहां पर, तो हमें इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 8 कितना 120 हो जाएगा, 15 8 120 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर रेशियो का हमें काम ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट ने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है कि आपको रेशियो से काम करना है। अगर आप डायरेक्ट 136 का स्क्वायर करने लगे और 64 का स्क्वायर करने लगे, फिर तो एग्जाम हो गया आपका 2 घंटे में फिर तो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 प्योर रेशियो का क्वेश्चन है, जिसकी रेशियो पर पकड़ मजबूत है वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि दो टावरों पी और क्यू के पैरों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल बीच में एक बिंदु से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, पी और क्यू की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? देखो अनुपात अलग अलग है, मतलब ऊंचाई बराबर तो नहीं है। तो यहां पर हम बना लेते हैं दो टावर, एक बनाते हैं पी, ये हो गया और ये हो गया क्यू।
इनके जस्ट इनकी जो पैर है उनको मिलाने वाली रेखा ये है, इसके जस्ट बीचों बीच एक दूसरा बिंदु है, यहां से इनके उन्नयन कोण एक का 30 डिग्री, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि 30 डिग्री अच्छे से बन जाए ये, और ये 60 डिग्री रहेगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया। अब हमें उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। देखो 30 के सामने अगर एक यूनिट है तो यहां पर ये 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 के सामने क्या हो जाएगी, √3 यूनिट हो जाएगी ये। अब देखो ये जस्ट पॉइंट था, ये बीचों बीच था, तो ये जो लाइन है ये इसकी इक्वल होगी, तो ये अगर √3 है तो ये भी हो जाएगी √3 हो जाएगी, ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब देखो 30 के सामने अगर एक यूनिट है तो 60 के सामने √3 हो, देखो अब यहां पर जो एक यूनिट की वैल्यू है वो दी है हमें √3, यहां पर यूनिट बदल गई, यहां पर एक यूनिट की वैल्यू क्या है √3 है, तो 60 के सामने क्या होना चाहिए √3 यूनिट, √3 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगी 3, तो इसके सामने क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो बस ये देखो ये दोनों क्या हो गए, इनकी हाइट हो गई, तो इनकी हाइट का रेशियो दोनों टावरों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी। देखो प्योर रेशियो क्वेश्चन है, रेशियो की अच्छी समझ होनी चाहिए तब जाके इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। अब आ गए हम थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 7, 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, जहाजों के बीच की दूरी क्या है। देखो यहाँ कहीं प्रकाश स्तंभ मतलब यहाँ पर लाइट हाउस है, इसके दोनों ओर एक यहां पर जहाज है और एक यहां पर जहाज है, तो इनकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मैंने बोला था कि डिप्रेशन या एलिवेशन वो बराबर हो जाते हैं। देखो यहां से बनाएंगे अगर डिप्रेशन ये 60 का है तो यहां पर 60 हो जाएगा, और ये 30 का है तो यहां पर भी 30 डिग्री का हो जाएगा, तो इसको अलग कर देते हैं। ये जो इसकी जो हाइट दी है ये दी है 120 मीटर, ये दी है हमें, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये पूरी लेंथ निकालनी है ये। अब देखो यहां पर 30 है तो ये कितना होगा 60, इन पहले इस ट्राइंगल में रेशियो देख लेते हैं, यहां पर 30 के सामने क्या होता है एक यूनिट और 60 के सामने क्या होता है √3 यूनिट, ये होता है। अब एक यूनिट की वैल्यू 120 मीटर है तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 √3, ये हो गई। अब यहां पर देख लेते हैं इसकी यूनिट भूल जाते हैं, इस वाले ट्राइंगल की इसको देखें तो यहां पर 30 डिग्री होगा, 60 के सामने क्या होता है √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट की वैल्यू 120 मीटर है, और 30 के सामने क्या होता है एक यूनिट होता है, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ट्रांसफर का पक्षांतर कर देंगे तो 120/√3, तो इसकी जो वैल्यू है वो जाएगी 120/√3, ये दोनों को जोड़ देंगे ये आंसर रहेगा हमारा। अब यहां पर रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे जब नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो 40 हो जाएगा, 120 और 40 ये हो जाएगा 160/√3। अब यहां पर √3 तो आ नहीं रहा है तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, लेकिन यहां पर आंसर बहुत दूर दूर है इसलिए हम सिर्फ 1.7 रखेंगे, 1.7 रख दे रहे। तो ये देखो जीरो डेसिमल को अलग कर देगा, 16 × 17, 16 का स्क्वायर कितना, तो 256, 256 जब 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 272। अब अगर देखो 32 और रखते तो आगे भी थोड़ा जाता, तो 272 से हल्का से ज्यादा आंसर आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 277 मीटर। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को रेशियो से करना है, आप सोचिए जैसे आप यहाँ पर स्कूल में करते थे, यहाँ पर पूरे साइंटिस्ट और टेंटिस्ट लगाते, यहाँ पर कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाता, कितना टाइम उसमें वेस्ट हो जाता, तो रेशियो ने इस क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में लिखा है समुद्र तल से 45 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर प्रकाश स्तंभ की ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, अवनमन कोण, अवनमन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये कोई प्रकाश स्तंभ है मतलब लाइट हाउस है, यहां से कोई जहाज इसकी ओर आता जा रहा है, तो ये यहां देखो पहले जब यहां था
तो 30 डिग्री का यहां पर एंगल बन रहा था, लेकिन जब वो पास आया तो एंगल बढ़ के कितना हो गया, ये 45 डिग्री का हो गया, ये हो गया 45 डिग्री का। हमें जहाज द्वारा तय की गई दूरी, ये वाली दूरी निकालनी है, और यहां पर जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये 45 मीटर ही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 45 वाला हमें ट्राइंगल तो याद है, ये दोनों साइड हमेशा बराबर होती है क्योंकि एंगल इक्वल होते हैं, ये 45 है तो ये भी 45 का होगा, ये 30 का है तो ये कितने का होगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। अब 45 देखो, ये 45 है तो ये भी 45 होगी, ये 45 होगी इतनी। अब देखो ये 30 के सामने अगर एक यूनिट है, 30 के सामने एक यूनिट है तो 60 के सामने क्या होती है, ये रूट 3 यूनिट होती है, ये पूरी क्या कितनी हो जाएगी, 45 अंडर रूट 3, ये पूरी हो जाएगी। हमें ये निकालनी है, ये तो पूरे में सब इसको हटा देंगे तो 45 अंडर रूट के अंदर ये 3 माइनस कर देंगे, 45 को माइनस कर देंगे तो 45 तो बाहर आ जाएगा, रूट 3 की वैल्यू थी 1.732 माइनस, यहां 1 बचेगा, ये कितना बचेगा, 45 गुणा ये हो जाएगा 0.732। अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन बहुत पास पास हैं, ये दोनों ऑप्शन बहुत पास पास हैं, मतलब यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 की टेबल तो आती है, 45 दूनी 90 होता है, ये 45 दिया 135 और ये 9 144 हो जाएगा, 14 आ जाएगा कैरी में, 45 शक्ति होता है 270, 45 शक्ति होगा 315 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 329 हो जाएगा। तो ये देखो यहां पर 3 अंक का दशमलव लगेगा, यहां दशमलव लगेगा तो 32.9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे करना है अप्रोक्स, हम यहाँ पर 45 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि समान ऊंचाई वाले दो स्तंभ ए और बी एक ऐसी सड़क के दोनों ओर स्थित है जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है। तो पहले हम यहां पर सड़क बना लेते हैं, ये कोई सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से ए और बी के शीर्षों के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो यहां पर स्तंभ ए है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है, यहां किसी बिंदु से ये कोई बिंदु है, ये कर दे 30 डिग्री का है। और यहां पर देखो समान ऊंचाई है, मतलब दूसरा ये स्तंभ भी इतना ही रहेगा ऊंचा, जस्ट इसके बराबर का। और यहां से यहां का उन्नयन कोण कितना है, ये 45 डिग्री है, ये बना दिया हमने। पता क्या करना है इसमें, इसे पता करना है कि ए से, मतलब स्तंभ ए से बिंदु की दूरी क्या है, ये वाला स्तंभ ए है, ये वाला स्तंभ बी है, यहां से यहां की दूरी ये पता करनी है हमें। अब देखो यहां पर कैसे पता करेंगे इसको, देखो अगर हमें इन दोनों का सॉरी मतलब इसका और इसका रेशियो पता चल जाए तो हम इस 40 को उस रेशियो में तोड़ देंगे। तो कैसे, हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं इसका। 30 के सामने ये क्या होता है, एक, देखो 30 के सामने एक यूनिट होती है और इसके सामने क्या होती है, ये सॉरी 60 के सामने क्या होती है, रूट 3 यूनिट होती है, ये कर दिया। अब यहां पर दोनों स्तंभ समान ऊंचाई के हैं, मतलब अगर ये एक यूनिट है तो ये भी एक यूनिट होगी, करेक्ट, और अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री का होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि 45 में दोनों ये साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी एक यूनिट होगा। अब यहां पर हमें देखो ये डिस्टेंस निकालनी है, रूट 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये कंप्लीट मतलब रूट 3 प्लस 1 इतने यूनिट की वैल्यू दी है 40, और हमें रूट 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालो, ये कितनी हो जाएगा, 40 अपॉन रूट 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब हमें रूट 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो दोनों जगह रूट 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 40 अपॉन रूट 3 प्लस का 1। देखो इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें यहां ऑप्शन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 और यहां पर भी रूट 3 माइनस 1 और ये रूट 3 यहां पर भी एक, तो रूट 3 ये हो गया। अब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, इसको सॉरी 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे ये 20 बार कटेगा, तो ये का 20 और रूट 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 और रूट 3 ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 का वर्ग होगा तो रूट 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस डायग्राम अच्छे से बनाते बन गया उनका रेशियो, ये ट्राइंगल अच्छे समझ में आ गए कि कहां पर कितने यूनिट की साइड होगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु से एक्स मीटर की ऊंचाई वाले एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पाया जाता है। उस बिंदु से 2 मीटर दूर जाने पर यह 30 डिग्री हो जाता है, निम्न से सही क्या है। देखो यहां पर एक बिंदु से एक टावर लगा है, यहां पर एक टावर है भाई, ये टावर बना दिया हमने। यहां किसी बिंदु का ये जो उन्नयन कोण है ये है 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है एक्स मीटर की है। इससे वाई मीटर की दूर गए हम, ये वाई मीटर दूर गए, तो ये जो उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री का हो जाता है, ये हो गया 30 डिग्री का। तो हमें बताना इनमें से क्या सही है। तो देखो यहां पर ये 60 डिग्री है, ये कितना होगा, ये 30 डिग्री का होगा। तो 60 के सामने अगर एक्स है, देखो 60 के सामने होता क्या है, √3। तो √3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स। तो 30 की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी एक्स अपॉन √3। तो जो इसकी वैल्यू है ये हो जाएगी एक्स अपॉन √3, ये हो गई। बस इतना कर दिया हमने। अब देखो इन इसमें और इस पूरे में क्या संबंध होता है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा होगा। तो यहां पर इन दोनों का देखो, ये 60 डिग्री के सामने क्या होता है, पहले देखो ये वैल्यू क्या है, वाई प्लस एक्स अपॉन √3। ये 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3। तो ये √3 की वैल्यू है, अगर बड़े ट्राइंगल में देखें 60 डिग्री के सामने √3 होता है, √3 की वैल्यू है। 30 के सामने क्या है, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये इनका रेशियो हो जाएगा √3:1। अब इसका यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई प्लस एक्स अपॉन √3 = यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स √3, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो √3 y + x, ये √3 जो एलसीएम जाएगा वो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह 3x हो जाएगा। अब इसको इस तरफ पहुंचा देते हैं तो ये 3x से x माइनस होगा, ये बचेगा 2x = √3 y, ये निकल आएगा रिलेशन। अब ये कौन से ऑप्शन में है, 2x = √3 y, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये देखो रेशियो हमने बहुत आसानी से कर लिया ये क्वेश्चन, नहीं तो वो बहुत डिफिकल्ट रहता। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रेशियो से कैसे करना है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है, ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखने में और समझाने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।